रोको, कॉन्ग्रेचुलेशन 50 मिलियन हो गए। सोच रहा आज अपनी पूरी की पूरी गैंग को लेकर चलता हूँ, सभी को एक साथ ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा। गिरना चाहिए ओए, अरे अरे क्या था, कामत चाहिए इसका भाई, करने का मन कर रहा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग चैनल। और गाइस पिक्चर को देखो कैसे लेट रही धूप में। आज इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही, पेट खराब हो गया इसका, उल्टी सीधी चीज खावे फिर भाई इसका पेट खराब हो जा। और गाइस ये रहे हमारे छोटे छोटे पप्पीज, आज भाई सुबह सुबह ने सभी को नहला दिया। पप्पीज के पीछे बैठी हमारी रेस्क्यू वाली फीमेल, इस अंदर करता हूँ यहाँ पर लिखे लगी, धूप पानी स्टार्ट होगी। आज भाई जूली खड़ी हो जा, आज जूली के खुलते रोक्सी सामने से अग्रेशन कर लगी। रोक्सी के साथ आजकल इसकी दुश्मनी हो रही, रोक्सी के साथ इसकी क्या सभी की दुश्मनी हो रही, पता नहीं भाई क्या हो रहा रोक्सी का। परसों तो भाई रोक्सी ने मेरा ही बुढ़गा भर लिया था, अब भाई इन सबका बुढ़गा भर है। रोको आजा खाना खाइए, खाने का नाम सुनते इन सबको देखो कैसा कर रहे, रहा नहीं जाता। रोक्सी की एक बात है, चाहे भाई सर कोको कितना ही पीट ले बट भाई अपना एग्रेशन कम नहीं करती। ये देखो भाई कैसा घूर रही है, अभी सामने कोको है ना। और गाइस कोको भी इसलिए हटगी, इसे पता अगर यह फाइट करेगी मैं सा धमका दूं, या बस मेरे से डर रही रोक्सी से डर रही, समझ रहे हो। देखना भाई अभी कैसे एग्रेशन कर रही हो, ए रोक्सी इसके पास मत जावे। और गाइस एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, अपने इस वाले चैनल पे 50 मिलियन प्लस व्यूज हो गए टोटल मिला के सभी के सभी। रोको कॉन्ग्रेचुलेशन 50 मिलियन हो गए सब्सक्राइबर ना हुए व्यूज हो गए। तो गाइस केक वगैरह कट करेंगे अपने रोक के साथ, अपनी रोक्सी के साथ, और गाइस अपनी कोको के साथ, सभी के साथ करेंगे। और गाइस रेस्क्यू वाली फीमेल ना अटैक कर दी सभी के ऊपर। क्या बोला तूने? जूली तेरे अंदर भी करंट है के? थोड़ा सा करंट दाब करा के इन्हीं के साथ रहना था जाए। वो तो शुक्र है कोको ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना भाई रोक तो कुछ नहीं कहने का, बट भाई कोको तो सीधा अटैक कर देती। यहाँ पर भाई इसका टायर है ना, टायर को देख रही कोको, नहीं बाद में लगाई तू ग्रिप, वरना भाई ग्रिप लगाने के चक्कर में इसके ऊपर ग्रिप लगा लगी। जूली एग्रेशन ना करिए इसके ऊपर, ठीक है? वैसे तो भाई सुबह से बीमार हो रही थी बट भाई अब ग्रिप को लेकर देखो बिल्कुल एक्टिव होगी। मेरा चैनल यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा हाथ भाई रोक का है, सभी को पता भाई पहले मैं रोक की वीडियो बनाया करूँ था, कभी मैंने इसकी हेल्प करी थी। और गाइस आज इसने मेरी ऐसी हेल्प कर दी, बस बढ़िया हेल्प कर दी, मौज आ गई। अब एक बार इन्हें खाना वाना खिला दो फिर देखते हैं भाई क्या करना आज का। A few inches later. तो गाइस नहा लिया भाई, केक लेने चलता हूं। और बंदर यहाँ पर आम के छिलके पड़े थे ना, आम का छिलका लेकर इस वाले पेड़ के ऊपर भाग गया। रोक कोको क्या हो रहा था, इलाके में आगे भाई आगे सारे गुस्से में आगे इन्हें भाई अब दिखा बंदर, नीचे मत कूद जाइयो साले को बम से उड़ा दूंगा। पीछे से भाई रेड किंग भी पागल हो। तो गाइस अब रोको नीचे भेज कर रेड किंग को बाहर निकालता हूँ, रेड किंग पागल है क्या, भोक भोक है। रोको तू नीचे के बंदर भगा का। अब भाई रेड किंग को खुला छोड़ दिया, और गाइस रेड किंग खुद भगा लगा बंदर, क्योंकि भाई ये वाली छत रेड किंग की है। और गाइस कोको बाहर बाहर चल रही है, नो कह रही मुझे भी साइड ले ले, बट भाई कोको को साइड नहीं लाता, क्या पता भाई नीचे गिर जा। पता शुक्र है रेड किंग बंद हो रहा था जब बंदर आया, वरना भाई रेड किंग खत्म कर देता। खत्म बंदरों के साथ तो भाई इसकी बहुत कड़ी दुश्मनी है, एक बार हाथ में आ जाए तो। रेड किंग एक बार इस साइड आ रहा, एक बार उस साइड जा रहा, एक बार भाई ऊपर चला जा फिर वहां पर चला जा, बिल्कुल पागल हो गया। और गाइस अब देखना रेड किंग आने वाला, सीधा उस साइड जाऊंगा। वो जा लियो भाई साहब, कोको के बिल्कुल ऊपर को कूद का गया। सब ये बंदर बंदर भगा लेंगे, मैं भाई केक लेने चलता हूँ। तो गाइस हो गया केक हमारा डेकोरेट, चलते हैं ऐसे लेकर घर पे। वैसे भाई डॉग्स को ज्यादा केक वगैरह खिला तो सकते नहीं, बट भाई थोड़ा बहुत खिला देंगे। और गाइस पीछे से रोक्सी के पप्पीज चिल्ला रहे, कह रहे हमें खिला दिया केक, हां तो मैं खिला दूंगा। और गाइस ये बैठी हमारी रेस्क्यू फीमेल, अब तो भाई बिल्कुल ठीक है, ये मान लो बिल्कुल पहले की जैसी होगी। देखना भाई बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होगी, अच्छे से इसके बाल वगैरह आने स्टार्ट हो गए, वरना भाई पहले तो इसके बाल थे ही नहीं। और गाइस एक बार को तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी इसकी कि अब बच भी जाओगी, क्योंकि भाई इसकी कंडीशन ज्यादा खराब होगी थी, बट भाई ये है कि अब ठीक होगी बिल्कुल। तो गाइस अब रोको घुमाने लेकर चलता हूँ, रोक ने भाई मेरा खुदे मार दिए ज्यादा। हाँ रोको चलेंगे बेटे चलेंगे, रहा नहीं जाता इसे भाई, काफी दिन हो गए ना खेत मजा आए, आज तो भाई बिल्कुल भाग भाग का खुदे मार रहा मेरा। देखना भाई रोक मेरे पास आने वाला, वो आ लिया आ लिया, आते भाई खुदे मारा, अरे चल रहा भाई चल रहा यार। सोच रहा आज अपनी पूरी की पूरी गैंग को लेकर चलता हूँ, रोक्सी को भी, सिम्बा को भी, कोको को भी, रोक को भी, सबको लेकर चलता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो बस भाई कोई रास्ते में डॉग वोग ना मिल जाए, मतलब इनका दुश्मन, वरना भाई चार रोको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और गाइस रोक बार बार बाइक के पास आकर खड़ा हो रहा, रोको पैदल जाना घूमने करना है, बाइक पना जाना, मतलब जिम्मी के ऑनर को भी कह रहा कि अपनी जिम्मी को लिया, आज भाई सारे के सारे हो जाएंगे। लिया ना सभी बिल्कुल लेगा वे, ठीक है आज भाई सारे के सारे लेकर चलेंगे, सभी को एक साथ ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा। बस भाई एक बार ठीक ठाक खेत में चले जा, क्योंकि भाई मेन दिक्कत तो थोड़ी आगे चलकर आओगी, वहाँ पर भाई काफी सारे डॉग्स मिले। तो गाइस आ गया फाइनली इन सभी को लेकर खेत में, और गाइस बहुत मुश्किल से लेकर आया, समझ रहे हो, पीछे भाई डॉग्स पूरा एग्रेशन कर रहे थे, और गाइस उनसे ज्यादा एग्रेशन ये कर रहे थे। देखना भाई सारे के सारे कितने टॉप लग रहे चलते हुए, चारों को चारों पूरी रोड घेर के चल रहे, ऐसे ही भाई गली मोक चल रहे थे, किसी भी डॉग की हिम्मत नहीं हो रही थी इनके पास जाने की, बस दूर दूर से एग्रेशन कर रहे थे। और गाइस इन सभी को खुला छोड़ने से पहले कॉल करनी पड़ेगी, जो जो अपने डॉग को लेकर खेत में आया करे, सभी को भाई आज पहले कह दूंगा कि अपने डॉग को थोड़ा अलग अलग कर लो, वरना भाई फाइट वगैरह का सीन पक्का बन जाएगा। अगर चारों ने मिलकर अटैक कर दिया ना, फिर भाई आप लोग समझ ही सको क्या होगा। और गाइस रोक्सी और कोको घर में चाहे कितने लड़ते हो, बट भाई बाहर आकर पूरा साथ दे एक दूसरे का, जब भाई गली में डॉग एग्रेशन कर रहे थे सारे के सारे टीम वर्क कर रहे थे, इसीलिए भाई मैं थोड़ा सा डर रहा अगर कोई डॉग वॉग मिल गया तो भाई काम कड़ा ही हो जाएगा। बात तो सही है, पीछे से जिम्मी का ओनर आने लग रहा, भागा भागा, बट भाई जिम्मी को नहीं लेगा, कुछ पूछता क्यों नहीं लेगा, ओए क्यों नहीं लेगा, वहां कहां है जिम्मी, छोड़ के आगे, अरे यार कुत्ते घने एग्रेशन कर रहे थे, लाया नहीं फिर
चलो भाई एक देखा जा, ठीक हुआ ही नहीं क्योंकि भाई रोक्सी के साथ गड़बड़ है उसकी, गड़बड़ थोड़ी भी नहीं ज्यादा यार। और गाइस देखना चार रोक चार रोक कितने टॉप लग रहे चलते हुए, दोनों का भाई पेयर बन रहा, रोक और कोको का पेयर हो गया और गाइस सिम्बा और रोक्सी का पेयर हो गया। तो गाइस अब एक एक करके सभी को खुला छोड़ते हैं। हां भाई पहला किसका नंबर है? पहले सिम्बा को छोड़ते हैं, सिम्बा सबसे छोटा है। तो गाइस हो गया अपना सिम्बा आजाद और गाइस चार रोक को एक साथ जानबूझ के नहीं छोड़ रहे, वरना क्या पता भाई चार रोक कहीं भाग जा। वैसे तो भाई ये भागने के नहीं कि हमें छोड़कर भाग गए, बट भाई ये कहीं तार वार में ना घुस जा चार रोक। ये देखो भाई ब्लेड के तार लग रहे। अब भाई थोड़ा ये होगा कि सिम्बा बिल्कुल रोड रोड पर चलेगा क्योंकि भाई वे सारे सारे रोड पर चल रहे हैं ना। और गाइस सिम्बा इन चारों में सबसे बड़ा है, मतलब भाई में उम्र में तो सबसे छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो गाइस अब हमारी कोको का नंबर इसे भी खुला छोड़ दिया, सबसे लास्ट में रोक्सी को छोड़ देंगे क्योंकि भाई रोक्सी का सभी को पता थोड़ी सी हथियारी सी है इसका, वैसे भी कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता घर पर भाग जा। ये देख लो भाई कोको को खुला छोड़ते, कोको तो जाली खाड़े के अंदर, अपनी साथ साथ सिम्बा को भी लेगी जाली भाई, रोक्सी भी जाली। बस भाई थोड़ी सी रोक्सी की दिक्कत है, बाकी तो भाई किसी की नहीं क्योंकि भाई रोक्सी का एकदम सही मूड बदल जावे घर पर भाग जाया। और गाइस कोको की हालत देखो कितनी ज्यादा खराब होगी, इसे भाई गर्मी ज्यादा लगे ना, बाकी तो भाई सारे के सारे मजे से घूम रहे बट भाई कोको की बैंड बजगी कुछ। भाई कोको आजकल मोटी सी होगी, घर पे रहे ना खेत में ला नहीं सकते। अगर भाई ऐसे में कोको की रनिंग करवा दिया तो भाई सीधी ऊपर चली जाएगी, भागती भागती ईट स्टॉक आ जाएगा खत्म। मैं केक नहीं लेगा वरना भाई खेत में केक काटते, बट भाई चलो कोई नहीं घर पर चलकर काट लेंगे। आज का भाई सेलिब्रेशन यही हो गया कि अपने सभी के सभी डॉग्स को एक साथ खेत में लिया। वैसा भाई आज पूरा मन लग रहा है ना घुमाने में क्योंकि भाई सारे के सारे अपने डॉग हो गए। देखना भाई चारों के चारों कैसे आ रहे, भागते भागते मेरे टक्कर मार दी कोको, कोको पीछे रह गई, कोको की बिल्कुल बैंड बजेगी। ये तो सारे के सारे भागे फिर रहे बट भाई कोको की बिल्कुल हालत खराब होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब भाई कोको घर से चले तब तो भाई पूरी एक्साइटेड रहे और गाइस खेत में आती आती देख लो भाई कैसे होगी। ये तो भाई तीनों के तीनों आगे आगे चल रहे बट भाई हमारी कोको रानी बिल्कुल पीछे पीछे आ रही। और गाइस का ऐसा होता कि रेड किंग भी नहीं के साथ आता फिर तो भाई पूरा जी लग जाता। थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुक गए क्योंकि भाई कोको की ज्यादा हालत खराब होगी थी, थोड़ी बहुत देर से रिलैक्स करते हैं फिर भाई आगे लेके चलेंगे, आगे नहीं वापिस ही लेके चलेंगे और नहीं भाई आगे जाते वरना भाई कोको रोने लगेगी। लो भाई लेट गया आराम से घास में और गाइस ऐसी जगह पर रुके जहाँ पर पानी वानी नहीं है वरना भाई पानी के अंदर घुस जाती। और गाइस अगर ऐसे में पानी के अंदर घुस गई खत्म। बहुत देर घुमा फिरा लिए, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, इन्हें घर पर लेकर चलूंगा। एक काम करते हैं इन्हें सभी को बांधते हैं और गाइस इनकी पावर टेस्ट करेंगे। वैसे तो भाई आधे से ज्यादा पावर इनकी निकल ली घूम फिर गए बट भाई फिर भी देखते हैं चारों को चारों मिलकर कितनी पावर लगा हुआ है। नो बताओ इन्हें चारों को एक साथ पकड़ा कौन? छोटू। हाँ भाई पकड़ागा, पकड़ने का नहीं तू भाई, तू भी नहीं पकड़ने का और जिम्मी का ओनर तू पकड़ागा इन्हें चारों को? अच्छा रे आ जा तू ही आ जा, रुको जरा। ले भाई पकड़ इन्हें। भाई मैं ना पकड़ता। क्या बोला तूने? क्यों देर कर दे के बार? थोड़ी देर पहले तो बहुत उछल का आया था वो, तो भाई मुंह तली कट गई कोपड़े तो साले का। तो गाइस अभी बहुत मुश्किल से को मनाया कि पकड़ ले, इनकी सारों की ताकत निकल रही पहले घूम फिर गए। अरे गिरने का ना बेफिक्र रहो। और गाइस एकदम से कमांड दूंगा मैंने भागने की, फिर देखते हैं भाई कितना जोर लगा हुआ है। ओ 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 छोड़ गिरना, ओ ओ ओ ओ गिरना चाहिए ओए। अरे अरे हो क्या था ओए, मान जाओ इनकी तो भाई आपस में बज गई होती। रोक्सी ने रोक के ऊपर पैर रख दिया था, रोकू ऐसी ऐसी हरकत मत करे। वैसे तो भाई रोक की गलती नहीं है रोक्सी की गलती है बट भाई रोक्सी को धमका नहीं सकता या मुझे ही धमका देगी। कुछ भाई किने सारे के सारे छोड़ दिए, क्यों छोड़ दे भाई? भाई जोर पड़े। ओ मर गया तू। तो गाइस बहुत होगी इनकी पावर टेस्ट, अब भाई सीधा ना घर पे लेकर चलता हूँ, गांव में एंट्री होने वाली। बस भाई ठीक ठाक घर पर चले जाएं क्योंकि भाई डॉग्स ज्यादा एग्रेशन करे। रोक्सी की पूंछ देखो भाई कैसे लहर रही, जैसा तैसा करके आगे निकल गए क्योंकि भाई पीछे ज्यादा डॉग्स थे। और गाइस अंधेरा हो रहा, दिख भी ना रहा होगा कुछ भी, ऐसा लग रहा जैसा कि जी अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी। बहुत ही ज्यादा हालत खराब होगी इसकी तो। कोको क्या हो गया तेरे हो? बस शांत हो जा, इसे भाई ज्यादा खेत में नहीं लेकर जाऊँ, आप लोगों के भाई कमेंट आवा इसलिए भाई लेके जाना पड़े, बट भाई अभी सब बहुत कम लेकर जाऊंगा। तो गाइस फाइनली होगी कोको शांत, वरना भाई एक बार को तो ये लगा था टेंशन होगी थी बहुत ज्यादा। और गाइस चिंटू डॉन को देखो कैसे लोट लगा रहा, चिंटू तो आराम से घर पर लेट रहा था आज, भाई चिंटू की कमी थी खेत में बस। तो गाइस अब ऊपर से केक लेकर आता हूं, फिर भाई केक कट करेंगे। केक अपने छोटे पैकेट के हाथों से कटवाऊंगे, मतलब बिल्कुल हाथों से तो नहीं बट भाई ये थोड़ा सा हाथ लगवा लेंगे, समझ रहे हो। देखना कितने आराम से बैठ गया शिवम लोग, रेड किंग को लेगा, रेड किंग पर कटवाऊंगे बट भाई अगर रेड किंग आ गया ना फिर भाई यहाँ पर महायुद्ध छिड़ जाएगा, केक लेक तो कटने का नहीं। खा तो जाइए ना सर, काट काट दो बस, ए बस खा मत जाइए, खा मत जाइए, इसका भाई खाने का मन कर रहा। मेरी उंगली मत खा जाइए, तू भी खा ला लर भाई, रोक से तू भी खा ले। देखना भाई कैसे झटके मार रहा। और गाइस आज के लोग कैंडी यहीं पे करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।